नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। 3 तारीख से भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंका 3 T20 और इतने ही वनडे मुकाबले खेलने जा रही है। दोनों ही फॉर्मेट के सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम का चयन कर लिया है। इसमें कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो कुछ नए चेहरे भी भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारतीय टीम में किस खिलाड़ी को श्रीलंका के खिलाफ खेलने का मौका मिला है। 3 तारीख से पहले T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो उसी की बात पहले करते हैं। इस टीम में सीनियर खिलाड़ियों को जगह नहीं दिया गया है। इस सीनियर खिलाड़ी में विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि KL राहुल को बाहर करने का कारण उनकी अत्या शेट्टी से शादी को बताया जा रहा है। वहीं विराट, पंत और भुवी को इसके बाद भी कोई T20 सीरीज में मौका मिलने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। इस सीरीज के लिए गेंदबाज के रूप में 2 नए चेहरे में टीम में शामिल किया गया है। पहले है शिवम मावी। इस खिलाड़ी को हाल ही में हुए IPL मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर गुजरात टाइटंस ने 6 करोड़ में खरीदा था। वहीं दूसरे खिलाड़ी है मुकेश कुमार। इस खिलाड़ी का इंडिया ए के लिए बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन रहा था, जिसके लिए उन्हें इससे पहले भी इनाम मिल चुका है। इस खिलाड़ी पर भी ऑक्शन में बड़ी बोली लगाई गई थी और दिल्ली कैपिटल्स ने 5.5 करोड़ में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया था। अब मुकेश कुमार को भारतीय T20 टीम में जगह मिल चुकी है। वहीं ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को T20 टीम का कमान सौंप दिया गया है और उपकप्तान के तौर पर भी आपको नए चेहरे दिखेंगे। इस खिलाड़ी का नाम है सूर्य कुमार यादव। हालांकि इस बात पर अभी संशय बना हुआ है कि क्या हार्दिक और सूर्य को पूर्ण रूप से T20 का कमान सौंप दिया गया है। इस पर अभी BCCI ने चुप्पी साधी है। वहीं विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन को भी टीम में शामिल किया गया है। 16 मेंबर की भारतीय T20 टीम कुछ इस तरह से है। हार्दिक पांड्या कप्तान और सूर्य कुमार यादव उपकप्तान के तौर पर रहेंगे। ईशान किशन और संजू सैमसन विकेट कीपर के तौर पर, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार। वहीं अब वनडे की बात करें तो रोहित शर्मा की वापसी होगी। बीते बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में कप्तान रोहित को हाथ में चोट लग गई थी और तब से वो टीम से बाहर हैं, और यही वजह बताई जा रही है श्रीलंका के खिलाफ भारतीय T20 स्क्वाड में इनके नहीं होने की। वहीं सभी को आश्चर्य करने वाला फैसला कि शिखर धवन भी वनडे टीम में शामिल नहीं है। हालांकि KL राहुल को टीम में मौका तो मिला है, मगर उनका भी डिमोशन हो गया है। KL राहुल अब भारतीय टीम के उपकप्तान के पद से हटा दिए गए हैं। उनके जगह पर हार्दिक पांड्या को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आप सबको पता ही है कि KL राहुल अपने खराब फॉर्म वाले दौर से गुजर रहे हैं। शायद इसी वजह से BCCI ने उनके कंधे पर से बोझ को हल्का कर दिया है। कुलदीप को भारतीय खेमे में जगह मिली है। उम्मीद थी कि रविंद्र जडेजा और बुमराह भी वनडे टीम में वापसी करेंगे, पर क्रिकेट फैंस को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा उन्हें देखने के लिए। इस बार भारतीय टीम में गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्रम दोनों ही पहले से ज़्यादा मजबूत दिख रही है। 16 मेंबर की ये भारतीय वनडे टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये भी आपको बता दें। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को कप्तान और उपकप्तान के तौर पर लिया गया है। KL राहुल और ईशान किशन को विकेट कीपर के तौर पर, शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह। वहीं श्रीलंका भारत के दौरे पर 3, 5 और 7 जनवरी को 3 मैचों का T20 सीरीज क्रमशः मुंबई, पुणे और राजकोट में खेलेगी। इसके बाद 10, 12 और 15 जनवरी को 3 मैचों का वनडे सीरीज क्रमशः गुवाहाटी, कोलकाता और त्रिवेंद्रम में खेलने जा रही है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।